हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे मसाला चना और सूजी के हलवे की रेसिपी, जिसे आप नवरात्रि में, अष्टमी नवमी में, माता के प्रसाद में बना सकते हैं, कन्या भोज में भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया हमारे मसाला चना बने हैं और हमारा हलवा एकदम दानेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कप चने लिए थे जिन्हें मैंने भिगा कर रख दिया था और हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कप चने लिए थे और दो कप लगभग हमने इसमें पानी ऐड किया है और इन्हें हमने 2 से 3 घंटे भिगाए थे। आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, तो इसके बाद हम हलवा तैयार करेंगे। तो हलवे के लिए हमने 1 बाउल सूजी ली है, 1 बाउल चीनी ली है और 1 बाउल से हमने थोड़ा कम घी लिया है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और हम इसमें घी ऐड करेंगे और ये घी लगभग 2 से 3 चम्मच होगा। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और कढ़ाई भी अच्छी गर्म हो गई है। तो हमने जो सूजी ली थी वो डाल देंगे और गर्म घी में हम सूजी डालेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही बढ़िया हमारा हलवा बनेगा। तो अब हम इसे चला लेंगे और यहाँ पर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे चलाएंगे। और इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। और यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है, थोड़ी सी ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर हम चीनी ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 मिनट और चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जिससे कि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इससे बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट आएगा। इसके बाद हमने 2 से 3 इलायची को पीस लिया था तो वो भी ऐड कर देंगे। इलायची से हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। लगभग हमें 5 से 7 मिनट इसे भूनना है। इसके बाद ये इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और ये परफेक्ट है हलवा बनाने के लिए, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी ऐड किया है, तो यहाँ पर 1 कप सूजी थी, 1 कप चीनी थी, तो लगभग ये इसमें हम डबल पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी ऐड किया है और यहाँ पर जब हम पानी ऐड करेंगे तो गैस को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके बाद हम इसे मीडियम कर देंगे और हमें तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी देर बाद इसे चलाएँगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा बहुत ही बढ़िया बना है और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हलवे की। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा होगा और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया बना है, एकदम दानेदार और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है, तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हम थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल देंगे ऊपर से, जिससे कि ये खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर हलवा बनके तैयार है, हमारे चने भी बॉयल हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर मसाला चना तैयार करेंगे। तो ये बढ़िया से बॉयल हो गए हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच चना मसाला लिया है। इसकी जगह आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। और इसके बाद बहुत ही थोड़ा हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने चने में ही पहले से ही ऐड कर दिया था। नमक हम इसलिए डालेंगे ताकि मसाले में अच्छा सा टेस्ट आए। इसके बाद हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे
और जीरा अच्छे से चटकने लगा है। इसके बाद हमने दो हरी मिर्ची लंबी लंबी पीसेस में कट कर ली थी वो भी डाल देंगे। जो हमने ड्राई मसाले लिए थे इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें घोल लेंगे, जिससे कि ये तेल में डालते टाइम जलेंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया हमारे मसाला चना बनके तैयार होंगे और उनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मिर्ची अच्छे से थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो लगभग हम एक मिनट इसे चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे जो हमने चने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और यदि आप ड्राई मसाले इसमें ऐड करेंगे तो थोड़े से ये जल जाते हैं, इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगेंगे। इसके बाद चने ऐड करने के बाद हम इसे इस तरह से थोड़ी देर चला लेंगे। इससे क्या होगा कि ये इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेंगे। इसके बाद हम इसको एक से दो मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें कोट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने बनके तैयार हैं और पानी बिल्कुल भी सूख गया है और जो मसाला था वो चने के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है और बहुत ही बढ़िया हमारे चने बनके तैयार हैं। तो यहाँ पर हमारा हलवा और चना प्रसाद के लिए एकदम तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।